जहां बेदर्द हाकिम वो वहां फरियाद क्या करना। दोस्तों आप सभी देख रहे हैं YouTube चैनल अमेठी ब्लॉग और मैं हूं अंकुर तिवारी। दोस्तों आइए, एक वैक्सीनेटर का दर्द जिसने हमें फोन कर किया था और उसने कहा कि इस चीज को आप YouTube पे दिखाइए और ये प्रॉब्लम कोई हमारी ही नहीं है, बहुत लोगों की समस्या है और देखिए लोग कमेंट में क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं, सब अपना अपना जो है दर्द बयां करेंगे और उसके बाद क्या करना है क्या नहीं इसका भी डिसीजन वो बताएंगे। तो दोस्तों हम वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो में लास्ट तक सुनिएगा कि कैसे हंसते हंसते हुए एक वैक्सीनेटर ने अपना दर्द बयां किया और क्या क्या चीजें बताई। तो दोस्तों आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल अमेठी ब्लॉग और मैं हूं अंकुर तिवारी। मैं लगातार ऐसे मुद्दों पर वीडियो बनाता हूं जो मुद्दे जिन मुद्दों में अन्याय हो रहा है, मैं ऐसे मुद्दे अपने यूट्यूब चैनल से लाता हूं और आप लोगों के सामने दिखाता हूं। ऐसा ही एक मुद्दा है वैक्सीनेटर एवं सहायक, तो उसी घोर अन्याय की मैं बात करना चाहता हूं और कर रहा हूं। तो आइए, लेकिन हमारी बात एक वैक्सीनेटर से हुई, उसने फोन किया हमें और कहा है उसने कि मेरा तिवारी जी ये वीडियो जो है बना करके और ये ऑडियो जो है सबको सुनाइए, सारे लोगों को सुनाइए। तो चलिए मैं सुनाता हूं, पूरा देखिएगा लास्ट तक और अपनी लास्ट में प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा कि आप क्या कहते हैं। दोस्तों 2-3 मिनट निकाल के आप पूरा वीडियो देखिए, फिर मिलिए हमसे कमेंट बॉक्स में, मिलते हैं अगले वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। आप तो एक जैसे आप एक वैक्सीनेटर हैं, तो आप हमको ये बताइए कि आप क्या खुश हैं सरकार की नीतियों से? नहीं, क्या समस्याएं हैं आपकी? बहुत दुखी है, तो कर भी क्या सकते हैं? नहीं कर क्या सकते हैं, बात सही है, लेकिन जैसे कुछ लोग वैक्सीनेटर जो है लिखते हैं, कमेंट करते हैं वीडियो के नीचे कि मैं छोड़ रहा हूँ या फिर मैं नहीं करूंगा या ऐसा कुछ, मतलब क्या समस्याएं आ रही हैं? आप भी एक वैक्सीनेटर हैं तो आपके साथ क्या समस्याएं हैं? आप अपना जैसे अगर सोशल मीडिया पे आप अपना दर्द बयां करना चाहें तो आप क्या कहेंगे? जैसे कि हमारे यहाँ पास तो करीबन 500-480 बकरी सही गणना किए हैं जी, तो बकरी हुआ छूट दिया 300 में से कई 250 टैग लगाए और वैक्सीन लगाया 250, तो हमारा क्षेत्र बिल्ड बहुत छोटा था, हमको दिक्कत नहीं हुआ, आराम से निपट गया हमारा काम। अच्छा, टैग भी लगा दिए, वैक्सीन भी लगा दिए, डॉक्टर द्वारा हमें ट्रेनिंग दिया गया, हमको कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हुआ। ये सैलरी नहीं मिली, ये पैसा इसके लिए बहुत कष्ट हुआ यार। कहने का मतलब आपको कोई कष्ट नहीं है, सिर्फ सैलरी नहीं मिली है बस। हाँ, हमारे जैसे गांव में छोटे छोटे बच्चे हैं ना जी, तो भैया आप तो डॉक्टर होते हैं, कुछ खर्चा वर्चा? हम कहा चलो ठीक है, 150 रुपये टाफी बिस्कुट के लिए दे दिए। अब छोटे बच्चे हैं भाई, उनके लिए बहुत बड़ी इमारत पाए हैं जी 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 जी, कहा तो खर्चा किए, कहे भैया तनख्वाह मिला, हमको तनख्वाह मिलत रहे तो बच्चे अपन लग खर्चा खा पिए मस्त रहे, तनख्वाह मिलता है ना समझ। ये आप कहाँ से वैक्सीनेटर है, किस जगह से हैं आप, पूरा एड्रेस आपका क्या है? हमारा है बड़ी सिरसा मेजा तहसील प्रयागराज। तो क्या मतलब सोशल मीडिया के माध्यम से अगर जैसे आपको कोई अगर आप तकलीफ हो तो आप बता सकते हैं? नहीं भैया ऐसा है ना, पर्सनली कोई तकलीफ नहीं, बड़े भाई हमारे टीचर हैं। अरे नहीं वो घर नहीं नहीं नहीं, वैक्सीनेटर वैक्सीनेटर और सहायक को ओनली आप बोलिए, वैक्सीनेटर और सहायक पर बोलिए आप, बस अलग मैटर पे नहीं है। सहायक तो जो हमारा है वो तो हमारे साथ चल ही नहीं रहा है कि भाई 2 कौड़ी की नौकरी है, सरकार बहुत मूर्खई फानी है, डाल के पछताता है। मतलब सहायक छोड़ के भाग गया? नहीं नहीं है, पास में बुलाते हैं आता है, अब हम दोनों के तरफ से जेब से खर्च होता है कि चलो ऐसे गणना कराए, सरकार नहीं वाहन कर हम लोगों को जेब से खर्च। ये बताइए सर, आपको मास्क वास्क मिला है? मास्क सैनिटाइजर 20 रुपया का लगाए, सैनिटाइजर सब व्यवस्था अपना स्वयं लिए, सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं मिला। चलिए चलिए बड़ा बढ़िया है, आप सर इस महामारी के दौर में आप सरकार का मदद कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और
अगर ये आपकी बातें हम जो है YouTube पे डाल दें तो कोई दिक्कत नहीं? अब का अब आपको जो अच्छा लगे डालने से क्या होता, आप तो बना ही रहे हैं वीडियो तो जैसे कुछ मान लो कहना चाहो और वैक्सीनेटर और सहायक हैं तो उनके लिए क्या कहना चाहोगे? कहना तो यही चाहेंगे पर्सनली की कुछ शरीर के बारे में बोले नहीं, जैसे